हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ये वीवो का Y83 है। इसका फोल्डर डैमेज हो गया है, इसकी बॉडी भी थोड़ी बैंड हो गई है, तो इसको कैसे ओके करना है, कैसे इसका फोल्डर रिप्लेस करना है। और जब हम फोल्डर रिप्लेस करते हैं तो पूरा फ़ोन को खोलना पड़ता है, और जब फ़ोन खोलता है तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलती है। जैसे अगर नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो नेटवर्क की प्लेट कौन सी होती है, अगर चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है तो चार्जिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैमरे में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बैटरी को रिप्लेस करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप आराम से इसमें सीख सकते हैं, अगर आपको पूरा फ़ोन खोलना पड़ता है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी ट्रे जो है वो आप रिमूव कर लें, जो कि कर रखी है हमने, और फिर इसके जो बैक कवर होता है ये, उसको आप रिमूव करेंगे। और रिमूव करने से पहले ये नीचे की तरफ दो स्क्रू होते हैं इसमें लगे हुए, उसको आप खोल लें। और अगर आपने स्क्रू खोल रखे तो ठीक, तो ये हमने ऑलरेडी खोल रखे हैं स्क्रू। अब हम इसको खोलेंगे, इसके कवर को। इसका फोल्डर पूरा डैमेज है, पूरा उतरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें किस तरीके से करना है वो देखते हैं। दो स्क्रू खोलने के बाद फिर आराम से आप इसको कवर को निकाल सकते हो, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, और ये जो सेंसर होता है फिंगर का, इसका ख्याल रखें आप। अब इसको हम सारे स्क्रू को ओपन करेंगे आराम से। इस फोल्डर को हम अभी एक तरफ रख दें। तो देखिए इस तरीके से सारे ये स्क्रू हमने ओपन कर लिए। अब ओपनर से आप इसको आराम से, एक तो ये रही इसके जैक की प्लेट, इसको आराम से निकालें। निकालने के बाद फिर जैक को फ्री कर लें। ये देखिए इसको एक तरफ रख दें आप। अब ये आपकी प्लेट है ऊपर की, ये आराम से आप निकालेंगे। इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। ये डिस्प्ले का है, डिस्प्ले का आप निकालें। ये बैटरी का है, बैटरी को आप रिमूव करें। बैटरी को रिमूव करने के लिए अब बैटरी को हमें बाहर निकालना है, जब ये हमारा फोल्डर निकलेगा। ये देखिए, ठीक, ओके। तो बैटरी को फोल्ड करने के लिए ये हमारी टेप है, पहले हमें ये टेप को छुटानी है साइडों वाली, और फिर ये टेप पकड़ के हम खींच लेंगे। ये देखिए, यहाँ गया। अब ये ग्रीन जो है इसका ये हैंडल होता है, इसको पकड़ के आप आराम से बैटरी को निकाल सकते हैं। ये इस तरीके से बैटरी मूव होती है। ये नीचे इसका पत्ता है, नीचे जो हमारे रिंग टच चार्जिंग प्रॉब्लम आती है तो ये स्ट्रिप चेंज होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम आती है तो भी आप ये स्ट्रिप को पहले चेंज करोगे, और अगर
रिंगर प्रॉब्लम आती है तो ये स्ट्रिप को चेंज करोगे, माइक में प्रॉब्लम आती है तो ये स्पीकर को चेंज करो, ये इस स्ट्रिप को चेंज करोगे। तो बहुत सारे फंक्शन इसी स्ट्रिप में होते हैं, अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया, जब खोलोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें मिलती है सीखने के लिए। तो ये हमारा डिस्प्ले का है, इसको हम रिमूव करेंगे। ये पूरा ये देखिए ओपन हो गया। ओपन होने के बाद अब ये हमारा जो डैमेज फोल्डर था ये एकदम बाहर आ गया। आने के बाद जैसा कि इसका फ्रेम थोड़ा सा डैमेज है, ये देखिए हल्का सा डैमेज है, थोड़ा सा बैंड हो रहा, तो हम इसको आराम से देखेंगे, एक फ्लैट जगह पर रख करके यहाँ हल्का सा प्रेस करेंगे और ये हल्का मामूली सा एकदम सीधा हो जाएगा। जैसे यहीं रखा है और ये काफी फर्क पड़ा है। ये देखिए एकदम सीधा हो गया, एकदम सीधा हो गया ये हमारा पैनल, देखिए ठीक। तो इस तरीके से हम पैनल को भी सीधा कर सकते हैं। अब हम देखिए इसमें ओके करने से पहले, फोल्डर को पेस्ट करने से पहले, फोल्डर को हम बताते हैं हर वीडियो में, जब भी आप फोल्डर आप कोई सा भी लगाओगे। अब ये देखिए ये फोल्डर मैं रख रहा हूँ, ये रख लिया। जब आप फोल्डर रखोगे तो पूरा आप देखोगे कहीं से अगर बैंड है तो उठा हुआ नज़र आ जाएगा, नहीं तो नहीं। अभी देखिए तो इस तरीके से अब हम फोल्डर लगा करके अब इसको चेक करेंगे। हमने ये लगाया, अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे बैटरी। अब हमें इस फोल्डर को पेस्ट करना है, अब पेस्टिंग करते हैं। और अगर इसका पासवर्ड पता हो तो कॉल करके आप मैसेज टाइप करेंगे, उससे बारीक से बारीक पॉइंट का पता चल जाता है। और भी टच चेक करने के बहुत सारे फीचर्स हैं, उससे आप टच को चेक करें अच्छे तरीके से, फिर आप अपना जब आप संतुष्ट हो जाएं कि हाँ जी हमारा ये फोल्डर ओके है, फिर आप पेस्ट करोगे, उससे पहले पेस्ट नहीं करोगे। ओके, अगर उससे पहले कोई इशू आता है तो आप फोल्डर को रिप्लेस करा करके दूसरा फोल्डर लगाएं और फिर आप पेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।